Hello, everyone. Welcome to lecture number 39. We are continuing with the lecture series of data interpretation. Let us begin with question number one of the day. The question number one we have the following table shows the marks obtained by two students in different subjects. This is student number A. This is student number B. The maximum marks of the paper that student A appears this is the maximum marks of the paper that student d appears here are few subjects that is the four subjects english psychology history and sanskrit now the difference in the mean aggregate percentage marks of the student is mean aggregate percentage marks of the student is now let us total this this will be 60 70

विच विल बी इक्वल्स टू अगर आप सेवन से कैंसिल कर रहे हो थ्री अपॉन फाइव राइट लेट अस कम टू बी बी हेज गॉट दिस विल बी फाइव दिस विल बी एट सेवन फिफ्टीन फिफ्टीन सिक्स ट्वेंटी वन टू टू फाइव टू टू फाइव अपॉन फाइव फाइव टू सेवन थ्री हंड्रेड एंड सेवनटी फाइव अगर आप फाइव से इसको कैंसिल करोगे सेवन फाइव से थर्टी फाइव ट्वेंटी फाइव इट वी फाइव अगर इसको आप फाइव से कैंसिल करोगे फाइव फोर से ट्वेंटी फोर्टी फाइव अगेन आप फाइव से कैंसिल करोगे फाइव से जब आप कैंसिल करोगे यहाँ पे आएगा फिफ्टीन फाइव से कैंसिल करोगे नाइन थ्री से कैंसिल करोगे आप फिफ्टीन से भी कैंसिल कर सकते थे फिफ्टीन से अगर कैंसिल करते तो ये आता फाइव और ऊपर आता थ्री तो so, यहां पे आएगा फाइव और आएगा थ्री सो दिस विल बी अगेन थ्री बाय फाइव दिस इज एज पार्ट दिस इज बीज पार्ट बोथ थ्री बाय फाइव इंटू हंड्रेड थ्री बाय फाइव इंटू हंड्रेड द डिफरेंस इन द मीन एग्रीगेट परसेंटेज विल बी जीरो गॉट इट क्लियर इजी क्वेश्चन लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर टू The following table gives population and total income of a city for four years. 1992 1993 1994 1995 population in lakhs 20 21 22 23 income in crores 1010 1111 This is in crores. This is income. This is population in lakhs which one of the following statement is correct in respect of the above data. पॉपुलेशन इंक्रीज बाई फाइव परसेंट और मोर एवरी इन क्या इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन रो पॉपुलेशन पे आपको चेक करना है इज इट इंक्रीजिंग बाय फाइव परसेंट और मोर एवरी इयर लेटस ट्वेंटी का फाइव परसेंट जब आप निकालोगे इट विल बी वन क्लियर फाइव परसेंट क्यों फाइव परसेंटेज ऑफ ट्वेंटी आप लिखोगे हो रहा है ट्वेंटी वन हो, हो गया सिमिलरली ट्वेंटी से लेकर ट्वेंटी टू ट्वेंटी वन का फाइव परसेंट जब आप निकालोगे इंटू फाइव कर दो कितना आया वन जीरो फाइव तो वन पॉइंट जीरो फैक्टर तो ट्वेंटी वन प्लस यहाँ पे है ट्वेंटी टू तो ये इंक्रीज बाय फाइव परसेंट तो नहीं हुआ क्यों अगर ट्वेंटी फाइव परसेंट का जब आप इंक्रीज दोगे तो वो ट्वेंटी टू पॉइंट जीरो फाइव से ऊपर आना चाहिए फाइव परसेंट से मोर होने के लिए ये ट्वेंटी टू है यानी उससे कम है दैट मीन्स ये स्टेटमेंट गलत है कहाँ पे नाइनटीन नाइनटी थ्री से लेके नाइनटीन नाइनटी फोर के बीच में Clear? It has to be less than, अगर आप कैलकुलेट भी करोगे कैसे कैलकुलेट करते हैं फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू बाय इनिशियल इंटू हंड्रेड करोगे ट्वेंटी तो ये वन जीरो ज्यादा है यानी वन हंड्रेड वन जीरो फाइव से कम है सो इट टू बी फोर पॉइंट समथिंग को रीच ही नहीं कर रहा है क्लियर सो दिस गेट्स कैंसल्ड इनकम इंक्रीज बाई टेन परसेंट और मोर एवरी ईयर टेन परसेंट कैसे करोगे वन जीरो का टेन परसेंट आप निकालोगे सो वो गेट हंड्रेड वन तो वन जीरो पे हंड्रेड वन आप एड करोगे आंसर आएगा टेन परसेंट फिर वन 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 पे वन 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 पॉइंट वन एड करोगे कितना आएगा ये टू ये वन ये 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 और ये वन वन टी टू पॉइंट वन यहाँ पे कितना है वन टू टू फाइव यानी उससे ज्यादा है टेन परसेंट से ज्यादा है यस yes. नेक्स्ट वाला देखो वन टू टू फाइव है फिर वन ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव एड करो फाइव टू सेवन पॉइंट फाइव लेकिन ये कितना है वन थ्री फोर फाइव उससे कम है तो ये टेन परसेंट से इंक्रीज नहीं हुआ है इट हैज टू बी लेस देन टेन परसेंट तो ये ऑप्शन भी गलत है देखो नॉर्मल प्रोसेस जो है वो अगर बताऊंगा तो ये क्लासेस लेने का क्या बात है मतलब इफ आई विल से द सेम मेथड देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नॉर्मल मेथड चलता है वो भी मैं बताऊंगा तो उसमें कुछ ज्यादा चेंज नहीं है बट इफ सटन क्वेश्चन आई विल ट्राई मे वेरी बेस्ट टू गिव यू दैट डिफरेंट मेथड बिकॉज नॉर्मल मेथड एवरी वन नोज ओके सो इफ यू नो अ डिफरेंट मेथड दैट विल एड टू योर वॉलेट राइट योर विजडम कि हाँ मैं इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं राइट right? तो so, उसको आप चेक करो one, zero, one, zero, ये लेकिन पे है और का रिलेशन आपको पता होना चाहिए अगर आप देखोगे सपोज ये वन करोर होता वन करोर और नीचे होता वन लैख तो आप क्या करते वन क्रोर को हटा देते इसको लैक्स में कन्वर्ट करोगे कितना हो जाएगा वन इंटू हंड्रेड लैक्स नीचे हो जाएगा वन लैक कैंसिल हो गया आंसर फाइनल कितना बचा रुपीज हंड्रेड क्लियर गॉट इट क्लियर उसी तरह अगर मैं one, zero, one, zero को डिवाइड करूंगा ट्वेंटी इंटू फाइव थाउजेंड करो चेक करना है ना आपको नलिफाई करना है स्टेटमेंट को सही दिखाना है या गलत दिखाना है आपको अगर एक प्रूफ मिल गया कि ये गलत है तो आपका काम खत्म ये बता रहा है कि इज ऑलवेज अब रुपीज फाइव थाउजेंड तो आप फाइव थाउजेंड से मल्टीप्लाई करो फाइव थाउजेंड इंटू ट्वेंटी करो ट्वेंटी इंटू फाइव इज हंड्रेड देखो कितना है 1, 0, 1, 0. Into 100. Divided by 20 करो ये cancel हो एलिमेंट यहाँ पे, पे है वन जीरो कितना आ रहा है फाइव जीरो फाइव जीरो पांच हजार से ज्यादा है या नहीं है पांच हजार से ज्यादा आर यू गेटिंग दिस सो अगर यहाँ पे कुछ फैक्टर है ट्वेंटी और यहाँ पे कितना है ट्वेंटी वन अभी इसका चेक करते हैं 1111 100 divided by 21. फिर इसका कैलकुलेट करो अगर ये फाइव थाउजेंड से ज्यादा आएगा आंसर इज करेक्ट बट ये कैलकुलेशन थोड़ा दिक्कत देगा क्योंकि आप कितना है इससे कैलकुलेट करोगे यहाँ पे क्वेश्चन है पर कैपिटा इनकम वाज़ हाईएस्ट इन 1994 चेक कर देते हैं वो वाला, 1994 वाला चेक करो वन टू टू फाइव डिवाइडेड बाई ट्वेंटी टू और यहाँ पे चेक करो ट्वेंटी थ्री बाय थ्री फोर फाइव यहाँ पे चेक करो वन 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 बाई ट्वेंटी जीरो करना तो पड़ेगा किसी भी हाल में करना पड़ेगा तो ये आपको थोड़ा कैलकुलेशन पे स्ट्रॉन्ग कमांड होना चाहिए टू गेट दिस आंसर करेक्ट आई कैन लीव दिस क्वेश्चन टू यू बिकॉज बेसिक कैलकुलेशन है तो इसको कैलकुलेट आप कर सकते हो फिर देखोगे आंसर क्या होगा वट कैलकुलेशन आई डिड द आंसर इज सी गॉट इट नाउ

यहां पे देखो टोटल कितना है? 48 5 खर्चा तो वो ट्वेंटी फोर हंड्रेड ही करेगा मंथली कंजम्पशन और प्राइस कितना है एट्टी तो आंसर कितना हो जाएगा थर्टी लीटर सो योर आंसर इज थर्टी डोंट गो बाय द फैक्ट दैट ये सिक्सटी से फोर्टी एट हो गया 40 से फोर्टी हो गया फोर्टी से थर्टी टू हो गया वैसे कुछ रिलेशन एस्टेब्लिश मत करो

गलत. यहाँ पे कुछ uh, markers given ही नहीं है. कैसे पता चलेगा कि मस्ट है बीच में कहीं पे भी है क्लियर प्रोसीड टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम द प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस आइटम्स ऑफ टू फैमिलीज एंड बी आर रिप्रेजेंटेड इन चार्ट्स ओके okay, यहाँ पे कुछ गिवन है टोटल एक्सपेंडिचर है रुपीज ट्वेंटी थाउजेंड पर मंथ तो एजुकेशन में कितना होगा ट्वेंटी परसेंट ऑफ ट्वेंटी थाउजेंड यानी फोर थाउजेंड ये कमांड आप पे होना चाहिए कि ट्वेंटी परसेंट है ट्वेंटी थाउजेंड और कैसे निकालेंगे भाई टेन परसेंट करो हंड्रेड परसेंट करो टेन परसेंट करो टेन परसेंट जब आप करोगे कितना आएगा दो हजार ही आएगा क्योंकि दो हजार को आप दस बार गुना करोगे तभी जाके बीस हजार होगा हो गया दस हजार तो ट्वेंटी परसेंट दो हजार होगा ट्वेंटी परसेंट कितना होगा फोर थाउजेंड अदर आइटम्स है थर्टी थाउजेंड थ्री कट इंटू टू करो सिक्स थाउजेंड फिफ्टी परसेंटेंड कितना होगा 10, होगा होगा कितना कितना हो गया फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दैट वट फैमिली ए स्पेंड मोर मनी बी फैमिली ए का फूड का स्पेंडिंग कितना है दस हजार फैमिली बी का फूड का स्पेंडिंग कितना है दस हजार हाउ कैन फैमिली स्पेंड मोर देन फैमिली बी गलत फैमिली बी स्पेंड मोर नहीं बोथ आर इक्वल फैमिली एंड फैमिली बी स्पेंड द सेम अमाउंट ऑफ फूड करेक्ट सो सी इज योर करेक्ट आंसर गॉट इट प्रोसीड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अभी के लिए नहीं आ रहे हैं सो वी विल डू दिस क्वेश्चन टू द एंड ये इतना प्रायोरिटी वाला नहीं है ये क्वेश्चन हम बाद में करेंगे ठीक है statement based problems to be done at the end. Now we have directions for the following three items. These three items will begin in the lecture number 40. Okay. So I hope you have enjoyed the lecture. So we'll see you again in the next lecture. Till then have a great day. Bye bye. Take care everyone. Jai Hind.